बिल्कुल कबूल नहीं किया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली असद कैसर ने कहा है कि पैनामा केस अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने ये बात मैनचेस्टर में जी न्यूज से बात करते हुए कही। बुनियादी तौर पर एक पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा फैसला है और हम समझते हैं कि जब तक लीडरशिप से एहतसाब नहीं शुरू होगा तब तक इस मुल्क को आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। पाकिस्तान का मेन इशू जो है ना वो करप्शन है और जब तक करप्शन के खिलाफ ऐसी कोई मुअसर कानून साजी नहीं बनती या कोई मुअसर इकदाम नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं है। तो पनामा का जो फैसला अभी आधा आया है और हम उम्मीद रखते हैं कि दो माह में इंशाल्लाह मुकम्मल फैसला आ जाएगा तो ये पाकिस्तान को चेंज करेगा और एक नया पाकिस्तान बनेगा। जो बात आई है उसमें तो इंतजामिया की ऊपर सारी जिम्मेदारी आती है और ऐसे इस वक्त कोई इशारा भी नहीं मिला या कोई ऐसे सबूत नहीं मिला कि खुदा ना ख्वास्ता हुजूर साहब की शान में कोई गुस्ताखी हुई हो। अभी तक पुलिस की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल इसमें है कि उसके पास ऐसी कोई सबूत नहीं है, जो उसने सुप्रीम कोर्ट में भी वो रिपोर्ट दाखिल करवाई है।